जय हिंद एवरीवन। भाई मैं सुशील खूंगा, डायरेक्टर खूंगा एकेडमी। और आपको पता है हमारी एकेडमी से बहुत हजारों में सिलेक्शन हुए हैं, और हमारा हमेशा से मोटो रहा है कि जो भी बच्चे इस एकेडमी में आए पढ़ें वो सेलेक्ट होके जाएं और एक अच्छी मेमोरी बने। उसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया है। और आज भाई मैं सुबह सुबह ऑफिस आया तो ये बच्चा मिठाई लेके आ रखा था। सबसे पहले तो भाई नमस्कार, जय हिंद। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। ये है बादल और 2023 बैच का है ये, खूंगा एकेडमी का स्टूडेंट है, यूपी बुलंदशहर का रहने वाला है। ये थोड़ा सा आपको बताएगा, क्योंकि देखो जो बच्चे हमारी एकेडमी में आते हैं तो उनको रहता है पता नहीं कैसी तो पढ़ाई होगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं उन बच्चों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस खूंगा एकेडमी के प्रति और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बादल से आपकी बात कराता हूँ। बादल थोड़ा सा बता, तेरा इंट्रोडक्शन बता, किस बैच में तू आया सर? मैं कैसे? हाँ 23 बैच का, 2023 बैच का, 23 बैच का सर था अप्रैल में। तो मेरा पेपर कब हुआ था पहले तो सर? पेपर कब हुआ था सर? मेरा पेपर 20 अप्रैल का था। और कौन सी ट्रेड का था बेटा? सर मैं जीडी से था। जीडी ट्रेड का था सर। तो सर पेपर के बाद सर मैं पहले भी कई एकेडमी ज्वाइन कर चुका हूँ सर इससे पहले, लेकिन जो सक्सेस यहाँ से मिली सर, जो मैंने यहाँ से मिला उसको वो वहाँ से नहीं मिल पाया सर। बिल्कुल, तेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ? फाइनल सिलेक्शन यहीं से हुआ सर। मैं बिल्कुल हार के निराश के लास्ट आया था, मेरा लास्ट भर्ती थी सर बिल्कुल। अरे उसके बाद मेरे को ये नहीं था, मैंने कहा वो उम्मीद छोड़ दी थी मैंने तो, लेकिन यहाँ पे मिला सर ने मोटिवेट किया कि नहीं बिल्कुल यहाँ से सिलेक्शन होगा तेरा, कोई नहीं तो मेहनत कर। उसके बाद मैंने बैच ज्वाइन किया, पढ़ाई करी अपनी लगन से। और वो लेकिन यहाँ पे सर जो बेस्ट चीज़ है पेपर सॉल्विंग वगैरह सिस्टम सर, ये बहुत मेरे को बेटर लगा। हाँ बिल्कुल भाई, बादल ने सही बोला। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं, जो वीकली एग्जाम होते हैं यहाँ पे सर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं यहाँ पर वो उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ा। वो ही क्वेश्चन मोस्टली इसी में आए थे सर। ओके। और सर यहाँ से मेरे को सिलेक्शन में बहुत बड़ी खुशी है सर। मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली तरफ से बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सर जी आपको। और मैं भी ये सजेशन देता हूँ जो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं, मेरा भाई भी यहाँ पढ़ता है, कि यही अकेडमी ज्वाइन करें सर। बिल्कुल भाई, देखो इस बच्चे ने बताया एक चीज़ तो, देखो ये वैसे तो फौजी वाला डेडिकेशन है ही है इस बच्चे में, कि ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। और ये लास्ट तक लड़ा भाई, अपने आखिरी चांस तक लड़ा और इसने मेहनत की। देखो भाई हमारी तो गाइडेंस रहती है, हम कोशिश करते हैं अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं बच्चों को, बाकी मेहनत तो देखो बच्चे को करनी पड़ती है। इसने मेहनत की, कामयाबी मिल गई। और अभी तेरा शायद छोटा है भाई, ये साथ में आ जाए, छोटा भाई है, उसको मैं अकेडमी में जॉइन कराना चाहता हूँ सर यहाँ पर। बिल्कुल भाई, अब ये हमारे लिए बड़ी एक बात है भाई, कि खूंगा एकेडमी में जैसे हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, सीनियर विंग का तो कराते ही कराते थे, अभी जूनियर्स के लिए जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का हम करा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे पास से सेलेक्ट हो गए हैं, उनके भाई बंद या उनके परिवार के काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये विश्वास जब पैदा होता है, जब ये बच्चे यहाँ से कामयाब होके जाते हैं, तो यूपी में का बुलंदशहर का रहने वाले? बुलंदशहर का। और पापा क्या करते हैं? पापा सर किसान है। किसान है? हाँ जी सर। चलो गुड यार, तो घर वाले सारे खुश हैं? बहुत खुश है सर, बस वो लेते हैं हमारी तरफ से सर को धन्यवाद कहना, हो पाया सर जी यहीं से हो पाया बिल्कुल। क्योंकि एक लास्ट एक उम्मीद जो होती है वो सर यहीं से मिली थी, नहीं मैंने तो छोड़ दी। वो मेरे को एक लड़के ने सजेशन दिया था, उसका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, बोला तू एक बार खूंगा अकेडमी ज्वाइन कर। मुझे तो लग, मैंने कि मुझे तो लगता नहीं, बोलो नहीं तो एक बार खूंगा अकेडमी जा, एक बार मेरे कहने से जाके देख। फिर मैं आया, सिलेक्शन आप पढ़ाई देखी, बिल्कुल बैट अलग था सर, डिफरेंट था सबसे, डिफरेंट था। अच्छा, पेपर में बैठा होगा, जब पता तो चल गया तेरा पक्का होना है। बिल्कुल, पेपर को देखते वो लगा कि जो मोस्टली क्वेश्चन थे वही थे सर बिल्कुल। अच्छा गुड यार, देखो ये होती है मेहनत, और बहुत ही बढ़िया यार अभी। और सब ऑल वेल घर में? हाँ सब बढ़िया बिल्कुल सर। और बाकी चल पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल माहौल कैसा था यहाँ? ओवरऑल माहौल सर बहुत अच्छा था बिल्कुल। खाने वाने की कोई दिक्कत? खाने वाने की जो हॉस्टल की होती फैसिलिटी वगैरह एकदम एक नंबर की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना यानी खाने को, और अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता बच्चे का, रात को क्या पढ़ रहा है क्या देख रहा है उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो रखना पड़ता है भाई, बट बड़ा अच्छा लगता है भाई जब ये बच्चे कामयाब होते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। इन लोगों का, बच्चों का इतना प्यार मिलता है, इनके पेरेंट्स का इतना प्यार और ब्लेसिंग्स मिलती हैं भाई, तो यही तो चीज़ें होती हैं जो जिंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और बाकी भाई चलो थैंक यू, और अपने मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से नमस्ते बोलना उनको। बिल्कुल सर। और जब भी छुट्टी वुट्टी आता है? बिल्कुल सर, अब तो आना जाना रहे, दिक्कत नहीं है सर बिल्कुल। और तेरी शादी में जरूर आएंगे? बिल्कुल सर, ठीक है। ओके सर, चल ओके, थैंक यू, जय हिंद।